नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे। जनता जनार्दन ने साफ कर दिया था कि उसे अब मंदिर मस्जिद के झुनझुनों से बहलाया नहीं जा सकता। जनता सच में विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई जहां राम मंदिर बना था। अयोध्या में फजीहत हो गई। उसी 4 जून को चुनाव परिणाम के अलावा एक रिजल्ट और आया था, नीट का रिजल्ट। और आज लगभग 3 हफ्ते बीत जाने के बावजूद देश का युवा सड़कों पर है, मगर मोदी जी को जोड़ तोड़ की सरकार संभालने से फुर्सत नहीं है, इसलिए शायद वो देख नहीं पा रहे हैं कि आखिर युवा क्यों गुस्से में है। हमारे देश का मिडिल क्लास और गरीब आदमी अपना पेट काटकर सपने देखता है। वो सपने देखता है कि उसका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएगा, मगर इसी सपने पर सरकारी तंत्र के निकम्मेपन का ग्रहण लग गया है। आइए मिलकर आज हम इस मुद्दे की व्यापकता को समझते हैं और आपको समझाते हैं, ताकि इस नई सरकार के पुराने कानों पर कोई जू तो रेंगे, कम से कम कुछ तो आहट हो। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे ये एग्जाम देना होता है। डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करने वाले देश में नीट एग्जाम का जबरदस्त क्रेज है। इस साल 23 लाख विद्यार्थियों ने यह पेपर दिया, मगर आज से 3 महीने पहले जिस दिन इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, तब से ही ये बात सब गलत कारणों की वजह से सुर्खियों में है। सबसे पहले तो फॉर्म भरते ही लाखों बच्चे टेंशन में आ गए, क्योंकि 2 बेतुकी शर्तें फॉर्म में रख दी गई थी। नंबर 1, फॉर्म भरते वक्त हर स्टूडेंट के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, और नंबर 2, आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अब ये शर्त कई कारणों से बेतुकी थी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही साल 2018 में एक लंबा फैसला लिया था। इस फैसले में कहा गया था कि हर जगह आधार कार्ड नहीं मांगा जा सकता। जैसे बैंक का खाता खोलना हो, मोबाइल नंबर लेना हो, स्कूल में एडमिशन हो, ये सब बिना आधार कार्ड के हो सकते हैं। नीट जैसे एग्जाम के लिए तो क्लियर गाइडलाइंस भी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 392 नंबर पेज पर साफ लिखा है, नीट, जेई और CBSE जैसे एग्जाम सरकार किसी वेलफेयर स्कीम के तहत नहीं लेती, बाकायदा फीस लेती है। इसलिए यह आधार एक्ट के सेक्शन 7 से बाहर है और इन एग्जाम के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी स्टूडेंट से आधार कार्ड डिटेल मांगी गई, आखिर क्यों? क्योंकि अंबानी जी भी कहते हैं, डेटा इज द न्यू ऑयल। ये हमारा डेटा ही है जिससे सारे बड़े उद्योगपति और सरकार मिलजुल कर हमारी आदतों से लेकर शौक तक सब जान लेते हैं। हमारी हैबिट्स क्या है, नेचर क्या है, सब जान लेते हैं और उसे अपने हिसाब से भुनाते हैं, और हम हर वो सामान हमको बेचते हैं जिसकी हमें असल में जरूरत भी नहीं है। खैर, एग्जाम पर वापस आते हैं। हमारे देश में बेचारे आम आदमी की क्या ही प्राइवेसी होती है। स्टूडेंट अपने कैरियर के लिए एक बार क्या 10 बार आधार कार्ड डिटेल दे देते, बशर्ते उनके पास होता, क्योंकि मेडिकल एग्जाम देने वाले ज्यादातर बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ने वाले होते हैं, जो अभी तक 18 साल के भी नहीं हुए हैं। ना उनका बैंक अकाउंट खुलता है, ना ही वो गाड़ी चला सकते हैं और ना ही वो वोट दे सकते हैं, इसलिए उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड नहीं होता। हालांकि आधार कार्ड कभी भी बनवा सकते हैं, मगर एक मध्यम वर्गीय या गरीब बच्चे को 18 साल से पढ़ने से पहले उसकी जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है, इसलिए वो आधार कार्ड बनवाता नहीं है। तो बहुतों के पास इसीलिए आधार कार्ड होता भी नहीं है। जिनके पास है भी, उनके साथ मोबाइल लिंक नहीं होता, क्योंकि नाबालिग स्टूडेंट का अपने नाम पर मोबाइल नंबर नहीं मिलता, सिम कार्ड नहीं मिलता। इस तिकड़म जाल में लाखों बच्चे जिन्हें एग्जाम के आखिरी महीने पढ़ाई में मगन होना चाहिए था, वो आधार कार्ड सेंटर के चक्कर काट रहे थे। और जब ये स्टूडेंट इस तरह के चक्कर काट रहे थे, तो हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी? सरकार का रोल छोड़कर पार्टी के रोल में आ गई थी और कैंपेनिंग कर रही थी। मुस्लिम, मंगलसूत्र, मुजरा और ना जाने क्या क्या प्रधानमंत्री बोल रहे थे। खैर, किसी तरह फॉर्म की डेट आगे बढ़ी, कंडीशन में कुछ तब्दीली हुई और 5 मई को एग्जाम लिया गया। मगर ये तो देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बस शुरुआत थी। आगे बढ़ने से पहले NTA का जिक्र जरूरी है।
जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मोदी सरकार ने 2017 में इस एजेंसी का गठन किया था ताकि देश भर में होने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम आसानी से एक ही एजेंसी द्वारा लिए जा सके, मगर स्टूडेंट्स ने एनटीए को एक नया नाम दे दिया, नो ट्रस्ट एजेंसी, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक नहीं कई कई कारण हैं, मैं आपको गिनाता हूँ। सबसे पहले तो चुनाव के नतीजों के दिन यानी 4 जून को नीट का रिजल्ट भी निकाल दिया गया। सारे देश की मीडिया चुनाव में बिजी थी, व्यस्त थी, घपला था, तो आशंका भी होगी कहीं बच्चे शोर ना मचा दे, इसलिए सोचा गया कि चुनाव के परिणामों में सब दब जाएगा। लेकिन इस देश के पढ़ने लिखने वाले युवा के लिए और उसके माँ बाप के लिए भी एग्जाम और कैरियर से जरूरी कुछ नहीं होता, चुनाव भी नहीं होता। मोदी जी भले ही अगले कुछ दिन तक नीतीश और नायडू को मनाने में बिजी थे, मगर देश का स्टूडेंट सड़क पर आ गया था, लाखों बच्चे सड़क पर आंदोलन के लिए आ गए थे। आपस में हमेशा लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस की NSUI पहली बार साथ में मिलकर प्रदर्शन कर रही थी। क्या कारण, तो मैं गिनाता हूं आपको। कारण नंबर एक, 720 नंबर के पेपर में 67 बच्चों को पूरे 700 नंबर मिल गए। पिछले 8 सालों में केवल 7 बच्चे पूरे नंबर लाने का कारनामा कर पाए थे, 8 सालों में 7 बच्चे। लेकिन इस बार कमाल हो गया, मोदी हैं तो मुमकिन है एक बार एक साथ 67 बच्चे। इस नामुमकिन सी बात को भी एनटीए ने सही ठहरा दिया। जवाब दिया गया कि इस बार पेपर आसान था, और इस फालतू से जवाब का जब विरोध हुआ तो बताया गया 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे क्योंकि पेपर लेट शुरू होने से उन्हें वक्त कम मिला था। तो अब देखते हैं कारण नंबर दो, जो कि है ग्रेस मार्क। मेडिकल इंजीनियरिंग, SSC और UPSC जैसे पेपर लाखों स्टूडेंट देते हैं। इतना कंपटीशन होता है कि अगर एक नंबर भी कम आ जाए तो सैकड़ों कैंडिडेट आपसे ऊपर हो जाते हैं। ऐसे में नीट के पेपर में कुछ स्टूडेंट को 140 नंबर तक ग्रेस मार्क में दिए दिए गए। 140 एक्स्ट्रा नंबर का मतलब समझते हैं आप? पेड सीट में भी मुश्किल से दाखिला लेने वाला स्टूडेंट अब सीधा एम्स जैसे सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर सकेगा। इसके विरोध में बहुत स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां NTA उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही कहती है कि कोर्ट के आदेश से ऐसा किया गया है। कोर्ट ने कहा, मगर हमने तो क्लैट यानी लॉ के एग्जाम के लिए तरीका बनाया था, तुमने मेडिकल में ऐसा कैसे कर दिया? NTA को तो काटो तो खून नहीं। सरकार ने कोर्ट में कहा, हम 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क हटा रहे हैं, इनके पेपर दोबारा लेंगे। मगर यहाँ एक दूसरा सवाल बनता था, NTA के किस अफसर या अफसरों ने नंबर की यह बंदरबांट की और उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा और कब? बहुत प्रेशर के बाद 22 जून को NTA के चीफ सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। मगर क्या एक ब्यूरोक्रेट को हटा देना काफी है? क्या NTA की जवाबदेही पर जो सवाल उठे हैं वो इस टोकन ट्रांसफर से बंद होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान साहब पिछले 3 सालों से शिक्षा मंत्री हैं, मगर पहले एक हफ्ते तक इन्होंने नीट स्कैम पर एक भी ट्वीट नहीं किया जिससे स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ा दें, उन्हें सांत्वना दे दें, राहत दे दें या कार्रवाई का वादा कर दें। क्योंकि 13 जून तक तो धर्मेंद्र प्रधान जी सारे ट्वीट प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों को बधाई देने के बारे में थे। 13 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इन्हें टैग करके नीट के बारे में सवाल किया तो शिक्षा मंत्री जगे, ट्वीट किया, मगर जो कहा वो स्टूडेंट के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। इन्होंने साफ लिखा कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं, जबकि बच्चे 1.5 महीने से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के इतने सबूत आ गए कि सरकार ने पूरे मामले को अब CBI को सौंप दिया है। वैसे सबूत तो एग्जाम वाले दिन से मिल गए थे। 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, उसी दिन पटना के शास्त्री नगर इलाके में एक संदिग्ध कार पकड़ी गई, उसमें पेपर लीक माफिया से जुड़े लोग थे। गाड़ी के डैशबोर्ड में आयुष नाम के स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मिला। अगले दिन ही FIR दर्ज हुई, आयुष को गिरफ्तार किया गया। चौंकाने वाले खुलासे हुए, एक रात पहले आयुष के साथ 25 और स्टूडेंट को क्वेश्चन आंसर रटवाए गए। हर स्टूडेंट से 40 लाख रुपए में सौदा तय था और तहकीकात से पता चला कि झारखंड का नामी पेपर लीक गैंग इसके पीछे है और क्वेश्चन पेपर 60 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश में खरीदे गए थे ताकि आगे बांटा जा सके। अब सोचिए,
अगर 60 करोड़ रुपए में पेपर लीक हुआ है तो लीक कराने वालों ने उसे कहां कहां नहीं बांटा होगा ताकि पैसे वसूल हो सके, और ये सब अखबार में 7 मई को छप चुका था। मतलब ऐसा नहीं है कि 4 जून को एग्जाम रिजल्ट के बाद ही पेपर लीक की खबरें उठी हों, मगर शिक्षा मंत्री 13 जून को भी कह रहे थे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। अब हो सकता है कि जिस तरह मोदी जी के पास नाले की गैस से चाय बनाने की टेक्नोलॉजी है, शिक्षा मंत्री के पास भी ऐसा कोई वरदान होगा जो बिना इन्वेस्टिगेशन से इनको पता चल गया था कि पेपर लीक नहीं हुआ। रिजल्ट आने और बवाल होने के बाद से ही बिहार में आर्थिक अपराध अनुसंधान ने जांच अपने हाथ में ले ली है, मगर उनको एनटीए से कोई सहयोग ही नहीं मिल रहा है। 3 बार एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगा जा चुका, मगर वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर एनटीए में कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर ये टाल मटोल क्यों हो रही थी? साफ है, दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी पूरी दाल काली है, और बात केवल बिहार में हुई एक FIR की नहीं है, और भी कई सवाल हैं। हरियाणा के झज्जर में एक ही सेंटर में 6 बच्चों के 720 में से 720 नंबर कैसे आ गए? इस बात का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। उधर गुजरात में नया स्कैम पता चला है। जालाराम स्कूल नाम के सेंटर में बच्चों से कहा गया कि नीट एग्जाम में जो सवाल नहीं आता उसे छोड़ दो, बाद में टीचर भर देंगे। एक कोचिंग सेंटर ने ऐसा करने के 66 लाख रुपए हर बच्चे से लिए। कोचिंग सेंटर में पुलिस ने पोस्ट डेटेड चेक पकड़े हैं। गुजरात पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यूपी में भी ऐसा ही एक परीक्षा लीक हुई थी। पता चला कि परीक्षा कराने का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया गया था। पता नहीं क्यों हर लीक का और हर खुराफात का जिक्र गुजरात पर जाके खत्म क्यों होता है। एग्जाम के दिन ही दिल्ली में 3 और राजस्थान में 4 लोगों को पकड़ा गया था जो किसी और की जगह बैठकर पेपर दे रहे थे। तो देखा आपने, बिहार में पेपर आउट करवा के रटवाया गया, गुजरात में कोचिंग सेंटर टीचर की मिलीभगत निकल रही है, हरियाणा में एक ही सेंटर से टॉपर्स निकल रहे हैं, दिल्ली और राजस्थान में पोस्टर्स पकड़े गए हैं, और ये तो तब है जब सबसे अलग स्टेट की पुलिस आगे अपने लेवल पर काम कर रही थी। अब CBI जैसी किसी सेंट्रल एजेंसी से पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू होने वाला है तो धांधली के और भी बड़े खुलासे होंगे। मगर देश के चारों कोनों से ऐसी खबरें आने के बावजूद शिक्षा मंत्री का कमाल देखिए। पहले 13 जून को बोला कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, फिर कुछ दिन बाद कहा कि अगर गड़बड़ मिली तो NTA के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अरे महाराज, बिहार से गुजरात तक, राजस्थान से दिल्ली तक FIR हो चुकी, आप अभी भी कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ मिली? अभी भी अगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, जब चारों तरफ से फंस गए तक कहीं जाकर NDA चीफ को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। ये तो साफ हो चुका है कि नीट एग्जाम 2024 में व्यापक सत्र और अलग अलग तरीके से धांधली हुई है, जिसका खामियाजा वो मेहनती बच्चे भरेंगे जिनके माँ बाप लोन लेकर कोचिंग फीस दे रहे हैं। और इस नीट स्कैम के खिलाफ और स्टूडेंट के फेवर में सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, जिन 1563 से ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे उनका पेपर फिर 23 जून को लिया गया। इस एग्जाम की वही हालत हुई है जो होनी चाहिए थी। अखबार की खबरों को माने तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट एग्जाम देने आए ही नहीं, क्योंकि सिर्फ ग्रेस मार्क लेने वालों का पेपर लेना कभी भी सही सॉल्यूशन नहीं था। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे और भी स्टूडेंट्स और सेंटर हैं जिन्हें वक्त पूरा नहीं मिला और ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। राजस्थान हाई कोर्ट में ऐसी पिटीशन पेंडिंग है। इसके अलावा कुछ लोगों के 718 और 719 नंबर हैं जो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक ठीक सवाल के 4 नंबर हैं, गलत देने पर 1 नंबर कटता है, मतलब 720 हो सकते हैं या फिर 715 हो सकते हैं। अब जिनके ये गड़बड़ नंबर हैं और जो इन 1563 स्टूडेंट में नहीं है उनका क्या होगा? फिर ये सोचिए कि जब तक बिहार और गुजरात के पेपर लीक मामले में कार्रवाई पूरी नहीं होगी, CBI पूरे देश से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेती, तो कैसे पता चलेगा कि पेपर लीक करके 50 स्टूडेंट में से बांटे गए या 500 स्टूडेंट को दिए गए या फिर 5000। अब फर्ज करिए आज से 6 महीने बाद 300 स्टूडेंट और पकड़े जाएं जिनको पेपर लीक की वजह से एडमिशन मिला होगा, तो क्या उनको देश के अलग अलग कॉलेज से निकाला जाएगा? नहीं, सालों केस कोर्ट में चलता रहेगा। और अगर निकाल भी दिया गया तो सेशन के बीच में क्या वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को दाखिला संभव होगा? नहीं, उनका भी साल बर्बाद होगा और वो सीट भी बर्बाद होगी। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात देखिए, जो बदमाश स्टूडेंट पकड़े नहीं गए और गिर पड़कर डॉक्टर बन गए,
तो आने वाले 30-40 साल इलाज के नाम पर जनता के साथ वो क्या करेंगे सोचकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए एक ही समाधान इस समस्या का असली समाधान है, वो है रीनीट, यानी नीट का पेपर दोबारा हो। हजारों लाखों स्टूडेंट की यही डिमांड है। इस देश में 1996 से 1999 के 3 सालों के बीच 3 बार आप चुनाव हुए थे। करोड़ों लोगों ने 5 साल के बजाय 3 साल में 3 बार वोट डाला था। इसके लिए अरबों रुपए लगाए गए थे। तो क्या इस देश के लाखों बच्चों के भविष्य के लिए एक नीट जैसा पेपर दोबारा नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है, बशर्ते सरकार की युवाओं के भविष्य के लिए वैसी मंशा हो। मोदी जी की मंशा तो आने वाले इलेक्शन जीतने पर ज्यादा लग रही है। नीट एग्जाम के पीड़ित बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री को फुर्सत देकर हरियाणा में आने वाले चुनाव का प्रभारी बना दिया गया है। सोचिए, जिस देश में स्टूडेंट की सालों की मेहनत पेपर लीक जैसे मामले खा रहे हैं, कुछ शिक्षा मंत्री कहता है कि एनटीए में बदलाव की जरूरत है। पिछले 1 हफ्ते में 3 और एग्जाम को कैंसिल किया जा चुका है। यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया क्योंकि 2 में से 1 पेपर को सबके लिए कॉमन था, वो लीक हो गया। CSIR नीट एग्जाम जो साइंस के सब्जेक्ट के लिए लिया जाता है, वो 25 जून से 27 जून को होना था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि थ्रेट एनालिसिस विंग ने कुछ पेपर के कंप्रोमाइज होने की बात कही है। नीट का PG एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया। ये सब एग्जाम NTA द्वारा लिए जाने थे, सब कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से कैंसिल होते जा रहे हैं। सोचिए NTA में कितने बदलाव की जरूरत। मगर बदलाव करने के बजाय देश का शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? 6 महीने बाद होने वाले हरियाणा के चुनाव की देखरेख में अपना कीमती वक्त देने की तैयारी कर रहा है। मोदी जी, सिर्फ चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है, चुनाव जीतकर काम भी तो करना है। कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए तो अपनी चुप्पी तोड़िए और नीट का पेपर दोबारा करवा दीजिए। हमारे चैनल की आवाज मोदी सरकार जितनी ताकतवर भले ना हो, लाखों लोगों के प्यार के साथ मजबूत तो है ही। अपने हर सब्सक्राइबर से मैं प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे देश के अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं। स्टूडेंट की नीट एग्जाम को दोबारा लेने की मांग को सरकार के कानों में डालने का काम करें। ट्वीट करें, इस वीडियो को लगातार लोगों तक भेजें। युवाओं की जय होगी तभी भारत की जय होगी। नमस्कार, जय हिंद।